नावधीतमस्तु मिद्विषावहै व्रताना व्रतं चरिष्यामि तछके तमेराध्यता महामृता सत्यमुपी ओम ओ शांति शांति तो आइए पढ़ते हैं हमारा प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में दहर शब्द का प्रसंग चल रहा है दहर का मतलब होता है हृदय भी होता है आकाश भी होता है और शाब्दिक अर्थ होता है छोटा सूक्ष्म दहर तो यहाँ पर इन्होंने कहा अल्प श्रुते रीति चेत तदुक्तम क्योंकि पीछे दहर शब्द जो है वो ब्रह्म का वाचक है ये प्रसंग चल रहा था तो कोई कहे कि भाई ये दहर तो बहुत छोटा सा है तो उसमें वो अनंत कैसे समा सकता है वो अनंत है तो कहा कि ये तो हमने पहले ही इसका उत्तर दे दिया था दहरो अस्मिन अंतराकाश इति या स्थान अल्पत्व श्रुतिरस्ती सा परमात्मनी संभवती थी दहर शब्द से जो स्थान का अल्पत्व है छोटापन है ये परमात्मा में तो संभव नहीं हो सकता है क्योंकि परमात्मा तो अनंत है तो वो इतने छोटे में कैसे समा सकता है इति ऐसा कोई कहे तो ते पूर्व में वोक्तम तो ये अल्पस्थानत्व वाली बात तो हमने पहले ही कह दी थी तो ये एक दो साथ में कहा था ना इन्होंने न एवं व्योम वहां पर भी तो यही बात आई थी ना अर्भकूक मतलब अल्पस्थान वाला तो बोले अल्पस्थान वाली बात अगर कोई कहे कि भाई ये इतने अल्प स्थान में उसका व्यपदेश कर रहे हैं ब्रह्म का तो ये तो नहीं हो सकता है तो बोले नहीं ऐसा कोई कहे तो ये ठीक नहीं है क्योंकि निचाइय एवं व्योम वच्च अनंत तो है लेकिन उसका निश्चय कहाँ हो सकता है उसका अनंत का तो वो तो हृदय प्रदेश में ही हो सकता है निश्चय तो उस दृष्टि से ये बात कही थी आकाश की तरह जैसे आकाश तो सर्वव्यापक है पर हमें कौन से आकाश का परिचय होगा जहां हम बैठे हैं आकाश के जिस पार्ट में आकाश तो अनंत है तो ये तो हमने पहले ही कह दिया था इति सूत्रे समाधानम, तस्माद समाधान तस्मादीची सिद्धम या दहरो अत्र परमात्मा। तो बोलिए ठीक से सिद्ध हो गया इस प्रसंग में कि दहर शब्द यहाँ पर परमात्मा का ही वाचक है अगला सूत्र है अनुकृत करें अनुकृति से भी उस तस्य उस परमात्मा का ही ग्रहण होगा अनुकृत है माने उसकी अनुकृति माने उसका ध्यान करना अनुष्ठान उपासना तो हम उसी की अनुकृति करते हैं ना कि हम कैसे बने भगवान जैसे बने उसका अनुकरण करना चाहते हैं ना हम जीवात्मा तो इससे भी पता लग रहा है कि दहर शब्द उसी का वाचक है यद्यपि परमात्मा नु अल्प श्रुतित्व अल्पस्थान श्रुतित्व हृदय स्थानत् समाधान पूर्व निचावत उत्तम यद्यपि हमने परमात्मा का जो अल्प श्रुतित्व अर्थात स्थान की अल्पता वाला स्थान अल्पस्थान श्रुतिवस् अल्प स्थान की जो श्रुति है इसके बारे में हृदय स्थानत् समाधानम उसका हृदय में ही स्थान है इस बात का हमने पहले ही समाधान कर दिया है क्योंकि निचाइय व्योमवत उत्तम ये हमने एक दो साथ में कह दिया था कि उस हृदय में ही उसका निश्चय होने से उसकी पहचान होने से तो इसलिए दहर शब्द में को हमने लिया है कि वो उसमें विराजमान है ये इसलिए लिया क्योंकि उसकी पहचान वहां पर ही होती है अन्यत्र होती नहीं है तो यद्यपि इसका समाधान कर दिया तथापि अयम अन्यो हेतुः प्रसंगात तो यह दूसरा एक हेतु दे रहे हैं प्रसंग से तस्य अल्पश्रुतित्वे अल्पस्थानत्वे अत्रोच्यते उसकी अल्पश्रुति और अल्पस्थानत्व के बारे में यहाँ कहा गया यत्तस्य परमात्मानो अनुकृते उस परमात्मा का अनुकृते ही अनुकरण करने से अनुकरणात इस हेतु से अर्थात अनुष्ठान अनुष्ठान के हेतु से अथच जीवात्मनो अनुकृते अनुकूलतया हेतु तो उसका जीवात्मो ये जीवात्मा अनुकृतें अनुकृत है माने अनुकूलतया हेतु तो अनुकूल त... अनुकूलता के हेतु से अनुकूलतया हेतु वहां पर ही अनुकूलता है उसको जानने की हृदय प्रदेश में ही दहर में ही अनुकूलतया हेतु अल्प प्रतिपाद्यते अल्पस्थान पर अल्पस्थानत्व का प्रतिपादन इसीलिए किया है कि वहां पर ही अनुकूलता है इस जीवात्मा को परमात्मा को परमात्मा को जानने की ब्रह्म को जानने की यथो ही परमात्मा तो अनंत क्योंकि परमात्मा तो अनंत है नावे न संगत्यम अनुष्ठातुम शक्य थे तो सर्व भाव से तो उसकी संगति का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है जैसे समुद्र तो में तो अनंत जल है पर हम तो समुद्र की संगति जिस प्रदेश में हम खड़े हैं उतने से ही संगति हो सकती है हमारी तो और तभी हम कहेंगे कि हमने समुद्र में स्नान किया हम पूरे का कथन कर देते हैं ऐसे ही परमात्मा का है यस्मिन ही प्रदेशे जीव स्वरूप तो ज्ञानवत्तया कर्तुम शक्नोति परमात्मा तो अनंत है लेकिन यस्मिन ही प्रदेशे जिस प्रदेश में जीव ये जीव स्वरूप तो अपने स्वरूप से स्थित या युक्त तो होता है तो इसलिए जो भी बताए ना तो वहाँ पर हृदय प्रदेशे हृदय प्रदेश ऐसे कहा है हृदय में ऐसे नहीं कहा जिस प्रदेश में यस्मिन प्रदेश जिस प्रदेश में अर्थात जिस हृदय प्रदेश में जीव स्वरूप तो ज्ञानवत्तयावतिष अपने स्वरूप में स्थित होता है कैसे ज्ञानवत्तया ज्ञान से युक्त होकर के जब स्थित होता है तत्र प्रदेशे ही तस्य स सांगत्यम कर्तुम शक्नोती उसी प्रदेश में वह उसके साथ उस परमात्मा के साथ संगति कर सकता है तो यहां दो बातें ध्यान देने की हैं। एक तो वो अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए अगर वो अविद्या से युक्त है तो वृत्ति सारूप्य पे हो गया वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं है तो तब वो भले ही हृदय प्रदेश में है तो भी परमात्मा के साथ संगति नहीं कर सकता है तो एक तो कहा अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए और अपने स्वरूप में स्थित कैसे हो सकता है ज्ञानवत्तया ज्ञान से युक्त होकर के वरना तो वो जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है तो तब भी तो आत्मा के साथ ही रहता है और इस शरीर में रहते हुए भी हमेशा ब्रह्म की संगति में ही रहता है तो ब्रह्म की संगति में रहते हुए भी वो उसको उसकी संगति नहीं कर पाता है अज्ञान से युक्त होने के कारण अपने स्वरूप में स्थित न होने के कारण उसके साथ संगति नहीं कर पाएगा तो इसलिए कहा यहाँ पर कि यस्मिन ही प्रदेश जीव जिस हृदय प्रदेश में ये जीव स्वरूप तो ज्ञान अवत्याय अपने स्वरूप में ज्ञान से युक्त होकर के रहता है तत्र प्रदेशे ही केवल उसी स्थिति में ही उस हृदय प्रदेश में तस्य कर तुम शक्नोति ये जीवात्मा उस ब्रह्म के साथ संगति करने में समर्थ होता है उक्तम ही जीवात्मा शरीर और शास्त्रों में भी इस जीवात्मा का स्थान शरीर में कहा बताया है हृदय में ही बताया है तो ये कठोपनिषद का उदाहरण दे रहे हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जनाना हृदय सन्निविष्ट तम स्वाच्छरीरात शरीर प्रवृहित मुंजादी वेशिका धैर्य कह रहे ये जो ब्रह्म है इसको अंगुष्ठ मात्र पुरुष ये पुरुष अंगुष्ठ मात्र है अब पुरुष कहने से कौन से पुरुष को लें यहाँ पर जीवात्मा को लें कि ब्रह्म आत्मा को लें तो कहा अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जना हृदये हृदय सन्निविष्ट सदा मनुष्यों के हृदय में अंतरात्मा में ये पुरुष सन्निविष्ट रहता है जो अंगुष्ठ मात्र है तो यहाँ पर क्योंकि ये पुरुष आत्मा में रहता है तो इसलिए यहाँ पुरुष से किसका ग्रहण किया जाएगा ब्रह्म का आत्मा से तो जीवात्मा का ग्रहण किया जाएगा और क्योंकि वो उससे भी सूक्ष्म में है हृदय में रहता है तो इसलिए यहाँ पर उसका ग्रहण किया जाएगा ब्रह्म का सब बहुत सारे नहीं सब मनुष्यों के कहा रहता है वो और यही बात गीता में भी कही है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय वहां पर भी यही बताया सब मनुष्यों के हृदय में रहता है वो तो वहां भी ईश्वर शब्द वहां तो स्पष्ट ही कहा है ईश्वर सर्वभूता नाम पर यहां क्योंकि पुरुष कहने से जीवात्मा का भी ग्रहण हो सकता था लेकिन यहां पर फिर अगला शब्द जो कहा कि आत्मा के पुरुषो अंतर आत्मा आत्मा के अंदर ये पुरुष सब लोगों के हृदय में सन्निविष्ट है तो उसको तम स्वास्थ शरीरात उस ब्रह्म को अपने शरीर से प्रवृहित अलग करना चाहिए बाहर निकालना चाहिए कैसे मुंजादी वेशी काम धैर्य मुंजादी इव ईशिकान धैर्य जैसे मूंज से ईशिकाओं को निकाला जाता है ना वो होता है ना डंठल सरकंडा तो उसके बीच में से मूंज निकाली जाती है एक तो पत्ते पत्ते हैं बाहर वो तो हटा ही दिए जाते हैं फिर एक बच गया वो बीच में डंठल और उसमें से फिर वो सीख है ना उसको निकाल निकाल के झाड़ू आदि बनाते तो उसको बड़े धैर्य से निकालना होता है नहीं तो टूट जाएगी तो झाड़ू बनेगी कैसे तो उसमें बड़े धैर्य से उसको अलग कर दिया जाता है उससे लगता तो वो उसके एक ही स्वरूप दिखता है मुंजी का और वो सरकंडा दोनों साथ ही मिले हुए हैं तो जैसे शरीर और जीव या ब्रह्म हृदय में साथ ही मिले हैं पर उसको अलग करना तो उसको बड़े धैर्य से अलग किया जाता है और बड़ी कुशलता से अलग किया जाता है तो आत्मा शरीर से अपने आप को कैसे अलग करे तो कहा बड़े धैर्य पूर्वक और मुंजादी इव ईशिकान जैसे मुंजादी से सीख को ईशिका को अलग कर दिया जाता है ऐसे साधना करते हुए व्यक्ति को अपने आप को इस शरीर से बाहर निकालना चाहिए बाहर निकालना चाहिए मतलब अलग देखना चाहिए विवेक की स्थिति से युक्त होकर के शरीर को ऐसे ही देखना चाहिए जैसे दूसरे शरीरों को हम देखते हैं ऐसे ही अपने वाले शरीर को भी देखना चाहिए अपने आप को अलग कर लेना चाहिए शरीर से तस्य तस्मात्षान हेतु अनुकूल हेतु परमात्मो प्रतिपादितम्। तो कह ग्रंथे प्रतिपादित तो इसलिए तस् अनुष्ठान हेतु तो उसके अनुष्ठान के हेतु से माने उसको उस हृदय में पाने में ही अनुकूलता है अनुकुल्य हेतु तो व अनुकूलता के हेतु से परमात्मा न अल्प श्रुतित्व ये जो परमात्मा है उसका अल्पश्रुतित्व अल्पस्थानत्व या उसका अल्प स्थान क्योंकि हृदय स्थान में भी अंतरात्मा है वो जीवात्मा के अंदर है तो इसलिए उसका अल्पस्थानत्व बताया है क्योंकि वो वहां पर ही इसके पहचान करने की अनुकूलता वही है जीवात्मा को परमात्मा तो सब जगह है हृदय में भी है शरीर के अन्य अंग प्रत्यंगों में भी है शरीर के बाहर भी है लेकिन इसको अनुकूलता कहाँ है जीवात्मा को क्योंकि ये हृदय में ही रहता है तो कहीं कहीं कहते हैं ना कि ये रहता कहाँ है तो कोई कहेंगे वो यहां रहता है कि इधर रहता है कहां रहता है तो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कहा रहता है हृदय में रहता है अब उस हृदय को ढूंढो भाई कहाँ है ये तो पक्का हो गया कि हृदय में ही रहता है और उसको हृदय में ही परमात्मा को जानने की अनुकूलता है इसलिए दहर शब्द से परमात्मा ही लिया जाएगा क्योंकि दहर का अर्थ छोटा भी होता है और दहर का अर्थ हृदय भी होता है तो वहां पर ही प्राप्त करने की अनुकूलता है तो इस हेतु से भी दहर को यहां पर ब्रह्म कहा है नहीं वो कुछ लोगों ने तो बताया है ये हृदय में मतलब यहाँ वक्षस्थल में और कुछ ने बताया है मस्तिष्क में तो दो मत है यहाँ पर विद्वानों की महर्षि दयानंद ने यही बताया है और अपने जो ब्रह्म मुनि जी हैं उन्होंने भी यही बताया है और उदयवीर शास्त्री जी उसको यहाँ बताते हैं तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं दो मत हैं मतलब और कह रहे हैं इसको अध्यात्म ग्रंथों में भी प्रतिपादित किया वेद का बता रहे हैं वे अनुकृतित्व बीजम निर्देश्यते। और कह रहे हैं वेद में भी यह जीवात्मा उस ब्रह्म का अनुकरण करता है उसकी अनुकृति का बीज वहां पर भी निर्देशित किया है संकेत वहां भी किया है तो ऋग्वेद में क्या कहा घायाम अहम मंत्र है ना अग्ने नहीं शुरुआत क्या है ये तो आखिरी वाला है ना व घास्या महाराज जी तो बोलते हैं ना इसको रोजी हाँ श्याम अहम त्वम व घास्याद् श्याम अहम हे अग्ने अग्ने श्याम अहम मैं जब तू बन जाऊंगा मतलब मैं तू बन जाऊं अग्नि मतलब परमात्मा हे ब्रह्म हे परमात्मा हे ज्योति स्वरूप प्रभु कब मैं तू बन जाऊंगा अर्थात मैं तू बन जाऊं और त्व व महम या तू मैं बन जा या तो मैं तू बन जाऊं या तो तू मैं बन जा तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है भगवान का जैसा बनना चाह रहा है जीव अनुकृति दिखाई दे रही है ये इतना ही दिखाना चाह रहे हैं कि हम सब जीव आत्माएं ब्रह्म का अनुकरण करना चाहते हैं उसके जैसा बनना चाहते हैं तुम वह घास्या हम मैं तू बन जाऊं अर्थात तेरे जैसा बन जाऊं मेरा आचरण ऐसा होना चाहिए पुंडरीकम नवद्वारि त्रिभी गुणे भी आवृतम एक ऐसा पुंडरीक है कमल है जिसके नौ द्वार हैं नौ दरवाजे हैं त्रिभी गुणे भी आवृतम और तीन गुणों से वो आवृत है तस्मिन यद यक्षम और उसमें जो यक्ष है आत्मनवत वत्थ तद वही ब्रह्म विदो विदु और वो कैसा है वो यक्ष आत्मनवत आत्मा वाला है माने आत्मा भी उसके साथ है आत्मा उसके साथ है आत्मा के अंदर ही है वो तो आत्मनवत तदवई ब्रह्म विदो उसको ब्रह्मविद ही जानते हैं उसको किसको उस ब्रह्म को तो ये नौ द्वार वाला जो पुंडरीक का ये तो शरीर है और तीन गुणों से ये आवृत्त है तस्मिन यद यक्षम उसमें जो यक्ष है वो आत्मनवत आत्मा वाला है वो तो ये यक्ष से कौन लिया जाएगा ब्रह्म, तद्वै ब्रह्म विदो उसको ब्रह्मवेदता जानते हैं उस ब्रह्म को तो यहां पर भी ब्रह्म का ही तो ये इन्होंने अथर्ववेद का प्रमाण दे दिया ऋग्वेद का प्रमाण दे दिया कठोपनिषद का प्रमाण दे दिया कि दहर शब्द परमात्मा का ही ब्रह्म का ही वाचक है आगे ये तो हो गया वेद का और उपनिषदों का प्रमाण अपि और कह रहे हैं स्मृति ग्रंथों में भी ऐसे ही कहा है परमात्मा तत्र हृदय स्मर्यते अपी ध्यानी भी ही। कह रहे हैं ध्यान करने वालों के द्वारा भी वो परमात्मा हृदय तत्र हृदय हृदय में ही स्मरते स्मरण किया जाता है अर्थात देखा जाता है उसको हृदय में ही जो ध्यान करते हैं तो यहाँ यजुर्वेद का मंत्र दिया ओम क्रतो स्मर क्रतु उसका स्मरण कर ओंकार का इति तू तत्म से विधानम तो ये कहकर के वेद उसके स्मरण का विधान कर रहा है और कठोपनिषद का उदाहरण दिया कश्चित धीर प्रत्यग आत्मनम ऐक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वम इच्छन् पराञ्च खाने व्यत्रणत स्वयं भूतस्मात् परान् पश्यति नान्तरआत्मन कश्चित धीरः कोई ऐसा धीर पुरुष होता है सामान्य रूप से तो इनकी बनावट ही ऐसी है भगवान ने ही ऐसा बनाया है इंद्रियों को कि बाहर ही देखती हैं अंदर की तरफ मुड़ती नहीं है ये लेकिन कोई कोई ऐसा धीर पुरुष होता है जो प्रत्येक आत्मन ऐक्षत अपनी आत्मा को देखते हुए आवृत्त चक्षु अमृतत्व जो अमृतत्व की को चाहता हुआ बाहर के विषयों को न चाहता हुआ आवृत चक्षु इंद्रियों को मोड़ देता है चक्षु यहाँ पर सब इंद्रियों का सांकेतिक शब्द है मतलब तो सभी इंद्रियों का ग्रहण करवा रहा है चक्षु तो इंद्रियों को वो आवृत कर देता है बाहर से बंद कर देता है और अंदर की तरफ मुड़ जाता है हृदय का है इंद्रिया मनश्च हृदय निधाय अपने इंद्रियों को और मन को हृदय प्रदेश में स्थापित करके निश्चित रूप से धारण करके तस् स्म तत्र ती तब उसका स्मरण वहां पर करना संभव है इंद्रियां बाहर हैं, हम अंदर हैं, वो बाहर की तरफ हमें ले जा रही हैं, तब उस परमात्मा का स्मरण नहीं होगा अपरा व्याख्या ये तो इस सूत्र की एक व्याख्या हो गई अब इसकी दूसरी व्याख्या कर है, रहे हैं अपीच स्मर रहे इस सूत्र की परमात्मनो अल्पश्रुतित्वम हृदय प्रदेश ग गत, स्मृत अपि उपलब्धते तो कह रहे हैं दूसरा इसका अर्थ यह है कि परमात्मा नो अल्प श्रुतित्व परमात्मा का अल्प स्थान में दहर स्थान में माने दहर शब्द परमात्मा का वाचक होना ये हृदय प्रदेश गे और हृदय प्रदेश में ही उसका विद्यमान रहना ये स्मृत अपि उपलब्ध स्मृति ग्रंथों में भी मिलता है ये उसका निवास हृदय स्थान में तो ये गीता का दे दिया इन्होंने ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ये अर्जुन वो ईश्वर कहाँ रहता है सब प्राणियों के हृदय देश में रहता है हृदय प्रदेश में रहता है तो इस कथन का ये अर्थ नहीं है कि हृदय प्रदेश के बाहर वो रहता ही नहीं है गीताकार भी जानते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है क्योंकि उन्होंने तो विराट रूप का वर्णन किया ना सब जगह का तो ये कहकर के वो केवल इनको बांध नहीं रहे हैं कि केवल हृदय प्रदेश में ही रहता है बल्कि सब प्राणी उसको हृदय प्रदेश में ही प्राप्त कर सकते हैं तो इसलिए यहाँ दहर शब्द से क्या लिया जाएगा ब्रह्म लिया जाएगा हृदय सर्वभूता नाम पर्वांग अंगुष्ठ मात्र कह पर्व अंगुष्ठ मात्र कह पहले तो आया अंगुष्ठ मात्र और यहाँ क्या कह रहे हैं अंगुष्ठ का भी एक पर्व जैसे ये अंगूठा है ना अंगुष्ठ तो पूरा है यहाँ से यहाँ तक और पर्व तो केवल ये ऊपर ऊपर वाला है तो यहाँ उतना कह दिया पर्वणांगुष्ठ मात्र कह अथ ग्रसति अनंतो ही महात्मा विश्वम ईश्वर ये इसका है महाशांति पर्व का वैसे तो ये जो है गीता है ये भी महाभारत का ही शांति पर्व से ही लिया गया है उसी का ही एक भाग है महाभारत का ही तो ये दूसरा दे दिया महाभारत का ही एक क्योंकि ये भी तो स्मृति है ना महाभारत भी तो तो उसके दो उदाहरण दे दिए इन्होंने सर्वभूता नाम हृदय सब प्राणियों के हृदय में पर्वण अंगुष्ठ मात्र का ये ब्रह्म अंगूठे के पर्व के समान है अथ ग्रसति अनंतो ही और इतना सा ही ये सब कुछ को ग्रस लेता है अपने अंदर समा लेता है महात्मा विश्वम विश्वम ईश्वरह ऐसा ये जो ब्रह्म है ये इस सारे विश्व का ईश्वर है मालिक है एको हमस्मि इति आत्मनम यत्त्वम कल्याण मन्यसे नित्यम स्थितस्ते हृदयश पुण्यपात पुण्य पापेक्षिता मुनि ही एको हम अस्मि इति आत्मान यत्व मैं एक ही हूँ ऐसा इति आत्मान यत्व ऐसे अपने आप को जो ये कहता है कल्याण मन्य से जो अपना कल्याण चाहता है तो नित्यम स्थितः ते हृदय हृदय एश नित्य हृदय में स्थित ये जो परमात्मा है पाप पुण्य ईक्षिता जो पाप और पुण्य को देखता है वो कौन है मुनि ही यहाँ पर ब्रह्म को मुनि कहा ब्रह्म को ही यहाँ पर पाप पुण्य को देखने वाला कहा ऐस पाप पुण्य ईक्षिता मुनि वो मुनि सब पाप पुण्यों को देखता है व्यक्ति पाप पुण्य करते समय तो औरों को दिखाना चाहता है लेकिन पाप करते समय क्या सोचता है एक हम अस्मि या तो मैं अकेला ही हूं तो कर लेता हूं कोई पुण्य पाप ऐसे सोचता है ना तो बोले नहीं ऐसे नहीं सोचना चाहिए उसको क्योंकि ये जो दूसरा देखने वाला है ना पाप पुण्य को देखने वाला ये सदा हृदय में बैठा ही रहता है इसलिए पुण्य करते समय तो व्यक्ति नहीं सोचता ऐसे कि मैं अकेला ही हूं, कर लेता हूं पुण्य ऐसे नहीं सोचता वो दिखाना चाहते दूसरे को कि मैं कर रहा हूं तो कोई मुझे देखे इसलिए कहीं नदी पे पहाड़ पे जाते हैं तो वो क्योंकि वो ध्यान लगाने की जगह है तो ध्यान तो लगाते हैं लेकिन बोले पहले फोटो ले लो तो ऐसे बना के फिर फोटो खिंचवाता है अपनी और फोटो के बाद ध्यान करता नहीं है फोटो के बाद खत्म तो ये व्यक्ति ऐसे पुण्य करता है तो दूसरे को दिखाना चाहता है मैं ध्यान कर रहा हूं तो कोई देखो तो सही मैं ध्यान कर रहा हूं तो फोटो तो लो कम से कम लेकिन पाप करता है तो तो नहीं दिखाना चाहता है पर यह कह रहे हैं कि आप दिखाओ या ना दिखाओ नित्यम स्थित हृदय पुण्य पाप ईक्षिता मुनि ही अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो आप इस बात को जान लो कि वो नित्य स्थित है हृदय में आप पुण्य का दृष्टा बना हुआ प्रकृत स हृदय लक्षित तो कह रहे हैं यहाँ पर भी वो हृदय देश में बताया गया है परमात्मा अस्ति इति यत्र अयम अन्यो हेतु तो यहाँ पर भी ये दूसरे हेतु से भी यही बताया कि दहर शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा शब्दादेव शब्दा प्रमितः शब्द प्रमाण से भी प्रमित अच्छी तरह से मापा गया है उसको शब्द प्रमाण भी यही बात कह रहा है उसको जाना गया है सहृदय देशेन प्रमित प्रमित माने प्रकृष्टेन मित हृदय प्रदेश से ही उसको जाना जाता है अच्छी तरह से उसको मापा जाता है मापा जाता है मतलब जाना जाता है